डियर स्टूडेंट, मैं आलोक कुमार आनंद लेकर आया हूँ आपके लिए 12th बुक का पहला पोएम, जो एक लव पोएम है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का अर्थ होता है प्यारी महबूबा मैं नहीं जाता, और यह कविता जॉन डॉन साहब के द्वारा लिखा गया है। यह जॉन डॉन साहब इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे। लंदन शहर में इनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1572 ईस्वी को। यहाँ जनवरी 22 जनवरी 1572 ईस्वी को लंदन शहर में इनका जन्म हुआ, और इनकी मृत्यु 31 मार्च 1631 ईस्वी में हुआ। इनके पिता एक व्यापारी थे। आइए अब हम इस पोएम को देखते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, देखिए यहाँ गो का स्पेलिंग जी ओ ई है, यह ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है। अब इसका सही जो होगा वो होगा जी ओ। चलिए, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी। दी मीन्स यू, यानी प्रियतमा, प्यारी महबूबा, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ या उब गया हूँ। इसका ये अर्थ हुआ, नोर इन होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। या देखिए, फिटर का अर्थ होता है तुम उससे अच्छा, बेटर, और मी, मी डब एम डबल ई, ओल्ड इंग्लिश में एम डबल ई लिखा जाता था जो कि अब एम ई लिखा जाता है, और इनका इसका जो मीनिंग होगा वो होगा कि मैं इस आशा में नहीं जा रहा हूँ कि दुनिया तुमसे बेहतर प्यार कर सकती है मुझसे, या बेहतर प्यार दे सकती है मुझको। अर्थात कवि कहते हैं अपने बिलव्ड से कहते हैं कि हे प्रियतमा, मैं तुम्हें छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे उब गया हूँ या परेशान हो गया हूँ, और ना ही इस आशा में जा रहा हूँ कि दुनिया तुमसे ज़्यादा प्यार मुझे दे सकती है। फिर आगे देखिए कवि क्या कहते हैं, बट सिंस डैट आई मस्ट डाई एट लास्ट दिस, या दिस को हम अब देख सकते हैं टी आई एस है, जो अब टी एच आई एस लिखा जाता है, या इट इज हम इसको पढ़ सकते हैं, एट लास्ट दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। कवि कहते हैं कि चूंकि मुझे एक ना एक दिन मरना है, अंततः मुझे क्या करना है, मरना है, जो कि एक प्रकृति का नियम है, दिस इज द रूल ऑफ नेचर, मैन इज मॉर्टल, कि हमें एक ना एक दिन क्या करना है, मरना है, इसलिए हमें इससे अच्छा होगा कि क्यों ना अपने आप को मजाक के रूप में ही एक बार जो है दस बाय फैंड डेथ टू डाई, एक बार नकली मरना, बहाने मरने का बहाना किया जाए, और तुमसे अलग होकर देखा जाए कि मैं तुमसे अलग होने पर किस तरह जी सकता हूँ, तुमसे अलग होकर मैं कैसे जी सकता हूँ, यह देखने के लिए मैं तुमसे अलग होना चाह रहा हूँ। यस्टर नाइट दस, फिर कभी कभी अपनी महबूबा को समझाते हैं, जब वो नहीं मानती है तो उसे समझाते हैं और कहते हैं, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज हियर टूडे। कभी कहते हैं सन का से कंपेयर करते हुए, अपने आप का कंपेयर करते हैं सन से, और कहते हैं कि देखो कल रात सूरज डूब गया और आज फिर वह यहाँ है, कल रात सूरज चला गया और फिर आज वह यहीं है, ही हैज नो डिजायर नो सैड नोर सेंस, उसके पास न तो कोई इच्छा है न ही कोई समझ है, नोर हाफ सो शॉर्ट अवे, और न ही कोई छोटा रास्ता है। और उस मन कहने का अर्थ ये हुआ कि सूरज का कोई विलव्ड नहीं है, उसे लौटने की कोई इच्छा नहीं है, सूरज का कोई विलव्ड, विलव्ड का अर्थ होता है प्रेमिका, प्रेमिका, कोई विलव्ड नहीं है और उसके पास कोई इरादा नहीं है लौट कर आने का, फिर भी वो लौट करके आता है,
then fear not me, but believe that I shall make speeder journeys since I take. तो कहते हैं कि तब मेरे बारे में मत डरो और विश्वास रखो कि मैं जितना जल्दी हो, जितना तेज गति से हो, मैं अपनी यात्रा करूंगा और मैं लौट करके आऊंगा। आगे देखिए, मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, उस सूरज से भी बड़ा पंख लगा के और अधिक प्रेरणा के साथ मैं लौट करके आऊंगा, क्योंकि तुम मेरा इंतज़ार कर रही होगी। तो देखिए, फिर कभी कहते हैं, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर डेट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर और नॉर और लॉस्ट आवर रिकॉल। कभी मनुष्य के शक्ति के बारे में कहते हैं कि देखो कि कितना कमज़ोर है मनुष्य का शक्ति, कि अगर गुड फॉर्चून फॉल, उनका खुशनसीबी का समय, अच्छे भाग का समय जब गिर जाता है तो कैन नॉट एड अनदर आवर, तो वह कोई दूसरा पल नहीं जोड़ सकता अपने उस खुशी के दिन में, एक भी पल नहीं जोड़ सकता, और नॉट और लॉस्ट आवर रिकॉल, और बीते हुए समय को भी पुनः बुला नहीं सकता। ओह, कितनी कमज़ोर है मनुष्य की शक्ति, यदि भाग साथ देना छोड़ देता है तो एक घंटा भी अतिरिक्त नहीं जोड़ सकता, न ही खोए हुए समय को वापस बुला सकता है। फिर आगे कहते हैं, बट कम बैड चांस एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, लेकिन जब बुरा समय आता है तो हम शामिल होते हैं अपनी ताकतों से, यानी जब बुरा समय आता है तो हम अपनी ताकत लगाना शुरू कर देते हैं और अपने आप को सिखाना शुरू करते हैं, क्या तो कला और सहन शक्ति, उस कष्ट को सहने की शक्ति अपने आप को देना सीख जाते हैं। फिर कह रहे हैं कि इट सेल्फ और अस टू एडवांस, जो शक्ति हमें आगे ले जाने के लिए होता है। वेन द साई नॉट वाइंड बट साई माई सोल अवे। अब फिर कभी अपनी प्रेमिका को कहते हैं कि जब तुम आहे भरती हो, जब तुम कराहती हो, तो वह उस आह में केवल हवा नहीं बहती बल्कि मेरी आत्मा बहा ले जाती है, और इसलिए तुम मत रो, मैं जल्दी लौट कर आऊँगा। इस तरह से वो अपने बिलव्ड को बोल रहे हैं। इनका जो बिलव्ड है, उनका नाम था एन्ना मरे। आगे देखिए, फिर कह रहे हैं कि व्हेन द वीप अनकाइंडली काइंड माय लाइफ्स ब्लड डोंट डिके, जब तुम रोती हो, मेरे जीवन का के खून का कतरा कतरा क्षय हो जाता है। मतलब कभी कहना चाह रहे हैं कि तुम मत रो, और अगर तुम रोती हो तो मेरा जो ये ब्लड है वह क्षय होने लगता है, वह पानी हो जाता है, मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख होता है, इसलिए तुम मत रो। फिर आगे कभी अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि इट कैन नॉट बी डैट दाउ लव्स्ट मी एज दाउ से, मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जो प्यार करती हो, जैसा कि तुम मुझसे कहती हो कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, तो इफ़ इन दाइन माई लाइफ द वेस्ट द आर द बेस्ट ऑफ मी, तो यदि तुम में ही मेरा जीवन है तो तुम बर्बाद करती हो, रोकर तुम बर्बाद करती हो, और यह जो काम है यह मेरे लिए सही, क्या यह मेरे लिए सही है, यानी तुम्हारा रोना मेरे लिए सही नहीं है, ऐसा कभी कह रहे हैं अपने बिलव्ड से। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फोर थिंक मी एनी ईल, और तुम्हारा जो यह हृदय है यह कभी नहीं सोचेगा मेरे बारे में कोई भी गलत, ऐसा मैं मानता हूँ। डेस्टिनी में टेक दाय पार्ट, और भाग तुम्हारा साथ देगा और मैं लौट कर आऊँगा। एंड मे दाय फियर्स फुलफिल, और अगर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं तुम्हारा जो ये भय है, डर है, यह पूरा भी हो जाए, बट थिंक डेट वी आर वर्ट टर्न असाइड टू स्लीप। फिर कभी कहते हैं कि अगर तुम जो डर करती हो कि मैं लौट के आऊँगा या नहीं आऊँगा, तो अगर मान लो खुदा ना खास्ता ऐसा हो भी जाए, तो तुम सोचो केवल कि हम लोग एक ही जगह हैं लेकिन सोने के लिए करवट बदले हुए हैं, यानी
कभी कहते हैं कि हम लोग एक ही जगह सोए हुए हैं, ऐसा तुम सोच लो कि हम लोग एक ही जगह सोए हुए हैं लेकिन करवट बदले हुए हैं। दे हु एनोदर वन एनोदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड वी। और अंत में जो ये कवि कह रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, आपको एक्सप्लेन में पूछा भी जा सकता है कि दे हु वन एनोदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड वी। कवि कहते हैं कि वैसे लोग जो एक दूसरे को अपने यादों में जिंदा रखते हैं, वह कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। हम लोग फिजिकली शरीर से अलग हैं लेकिन आत्मा से एक हैं, हमारा आत्मा यूनाइटेड है, ऐसा कवि कहते हैं। तो आपने देखा कि यह कविता एक लव पोएम है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो है एक लव पोएम है। और इसमें कवि जॉन डॉन अपनी प्रेमिका को बताते हुए अपने प्रेमिका को एड्रेस करते हैं और उन्हें कहते हैं कि देखो, अलग होकर के भी हम लोग जी सकते हैं और मुझे जाने दो, और हम अलग होकर के यह अनुभव करना चाहते हैं कि तुमसे अलग होकर के मैं कैसे रह पाऊँगा। मान लो कि यदि मैं मर जाऊँ या तुम ही मर जाओ, तो फिर तुम या मैं कैसे जिंदा रह सकते हैं, इसका अनुभव मैं करना चाहता हूँ। तो मुझे आशा है कि आपको यह कविता समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपका लाइक कमेंट हमें मिलेगा तो हम अब आपके लिए अगला वीडियो में समरी लेकर के आएंगे। इनका इसका जो समरी है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा।